रूट में भी जाओगे ना हर जगह के नाम उसकी कुछ वो है, ऐसे नहीं रखा उसका आध्यात्मिक और माइथोलॉजिकल वो उसके पीछे है। जैसे बैदनी बुग्याल है ना, बैदनी बुग्याल का नाम बैदनी ऐसे नहीं पड़ा, बैदनी बुग्याल मतलब वहाँ वेदों की रचना हुई है। अच्छा जो वेद लिखे गए ब्रह्मताल ऐसी नहीं बोलते उसको, यहाँ पे ब्रह्मा जी ने तपस्या करी है लेक के पास। जैसे जैसे हमने मैं पढ़ रहा था कि कर्ण प्रयाग जो है वहाँ पे कर्ण का मंदिर है, कर्ण वो रहा था वहाँ, वो रहा था और वहाँ पे शायद उनके देहांत के बाद कृष्ण भगवान ने वही अंतिम संस्कार जो वो किया उसके पार बने जाता है वो पोखरी के लिए तो उसमें क्या हुआ जब ऊपर से रास्ता बंद रहा था ना चट्टान के ऊपर तो वहाँ पूरा पांडव हो गया हत्या निकल गई वहाँ पे जैसे भीम का गदा अर्जुन का धनुष वगैरह सब निकला तो उन्होंने वह काटना छोड़ा। अच्छा, फिर नीचे से उन्होंने पहाड़ के नीचे से सुरंग बनाया तो सुरंग से रास्ता बनाया ऊपर से काटना छोड़ा जब उन्होंने खोदा ना उसको काटते करते नया कठिन चल रहा था वहाँ पे पूरा पांडवों का वो मिला। अच्छा 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 तो वहाँ जैसे ज्यादा खोदा मिट्टी में तो वहाँ पूरी सील लगी उसमें पांडवों के हथियार मिल गए तो वहाँ पर क्या पांडवों की कुछ लेखा जोखा पता नहीं क्या था तो उन्होंने कहा या तो पांडवों का वो है उन्होंने वो काटना छोड़ा तो फिर नीचे से सुरंग बनाई तो सुरंग से चलते आप गाड़ियाँ इधर। अच्छा आप एक बात बताइए कि रूपकुंड का जो स्केलेटन्स है ना इसका क्या हिस्ट्री है वो आपको ट्रैक में बताएंगे। अच्छा। हर जगह के हिसाब से ना जो पड़ा हुआ है वो उसके रिलेटेड है स्टोरी। अच्छा वो लॉर्ड कर्जन का ट्रैक क्या बंद हो गया या बंद नहीं हुआ? लॉर्ड कर्जन ट्रैक वो बहुत लंबा हो गया, 15-16 दिन लग जाए, 15-16 दिन तो इसलिए लोग आपको इतना टाइम नहीं होता ना, आपके पास भी टाइम नहीं होता छुट्टी छोटे पता कौन आते हैं? यूरोपियन आते हैं, अमेरिका से ये अंग्रेज आते हैं क्योंकि उनको थोड़ा प्राइड भी फील होता है उस ट्रैक पे चलने से क्योंकि हमारे पूर्वज गए। ठीक है लॉर्ड कर्जन तो जानते हैं ना जिसने वॉइस राय जिसने वो करा था बंगाल को टू पार्टीशन वो भी बहुत बड़ा हुआ था अपना एडवेंचरस ट्रैक करते हैं तो उसने जब वो था ना वॉइस राय तो उसने बोला था इंडिया में कि मुझे इंडिया की सबसे ब्यूटीफुल जगह घूमनी है तो उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन ने वो जगह एक्सप्लोर करी तो ये वाला जो कुमारी पास ट्रैक है ना वो घूमा एक्सप्लोर कर लेकिन उस जमाने में वो नहीं था ना वो 20 साल में पैसा देते उस रोड को मेंटेन करने अभी भी हर 20 साल वो स्टार्टिंग कहां से होता है लॉर्ड कर्जन से पहले ग्वालदम से था ना अब तो यहां तक गाड़ी आ गई पहले पैदल ग्वालदम से और वो खत्म होता तब तक वो नहीं अभी भी वो रोड मतलब उसने कोई ट्रस्ट बना के गया है ट्रस्ट कोई बना के गया है जो 20 साल में पैसा हां उनका वही अंग्रेजों का इंग्लैंड का ना अभी भी इंग्लैंड की बहुत सी जो है ना इंडिया में जैसे राष्ट्रपति भवन है उसके मेंटेनेंस के लिए वो पैसे देते हैं बहुत सी है पूरा मेंटेनेंस के लिए पैसे देते हैं साउथ इंडिया में बहुत जगह साउथ इंडिया में भी बहुत जगह है हम ऊटी गए थे ऊटी के आसपास कुछ जगह है एक है लवडेल है एक है वेलिंगटन है वो सभी अंग्रेजों का बनाया हुआ उन्हीं के नाम पे वेलिंगटन तो वही था वाइसराय भी था वो वेलिंगटन वेलिंगटन में तो इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा बेस है और वेलिंगटन में हमारे जो फील्ड मार्शल हुए थे ना सैम मानेकशॉ का भी हाउस है और वहाँ पे उसका एक मतलब अच्छा एक मूर्ति भी है और एक म्यूजियम भी है तो बहुत बढ़िया और जो वो है ना उन्होंने रोड भी इसलिए करा था जो अल्मोड़ा था ना अल्मोड़ा से स्टार्ट करता जो अल्मोड़ा ना अंग्रेजों के जमाने में कुमाऊं रेजिमेंट थी ना वो सबसे पुरानी रेजिमेंट में आर्मी की तो इसलिए वहाँ से स्टार्ट करा था उन्होंने तो अल्मोड़ा से होते हुए फिर यहाँ ग्वालदम वालदम आए तो जो अभी भी आपको देखेंगे ना यहाँ पे इस लाइन में वो फॉरेस्ट ट्री हेड रेस्ट हाउस वो उसी के बने हुए हैं वो आज भी जगह ना उसी के बने हैं वो साउथ इंडिया में हम एक जगह पे रुके थे उसका नाम है फुशिया टी एस्टेट वो भी मतलब ब्रिटिश पीरियड का है उसका जो बिल्डिंग है ना वो अब जाएंगे तो वहाँ पे आपको लगेगा कि ये तो अभी बनाया हुआ नहीं है वो ब्रिटिश पीरियड का है अभी भी नहीं बहुत जगह है बहुत जगह भी बहुत जगह अब जैसे वो था माउंट एवरेस्ट जो माउंट एवरेस्ट के नाम पे रखा ना वो बंदे जॉर्ज एवरेस्ट है उसका रियल नाम वो तो मसूरी में उसका मतलब जो लैब है ना वो मसूरी में है
वो एवरेस्ट का जो हाइट है वो तो फर्स्ट उन्होंने ही शायद नहीं वो थे चीफ स्टैटिक्स थे हाँ, हाँ, वो तो जो उसने कैलकुलेट करी थी ना वो बंगाली 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 थे बंगाली बंदे ने करा राधा 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 रमन वो उसने करा था वो नाम उसका चढ़ गया मतलब जैसे आर्मी में होता ना मानिक शॉ लड़ाई नाम उसका चढ़ गया और क्योंकि तभी तो अंग्रेज का अमल था ना नहीं वो होता है ना लड़ाई में हमेशा जो होता है ना जो लीड करता है उसका नाम नाम उसके नाम होता है या तो जो लीड करता है उसका नाम होता है या तो जो सही होता है ये दोनों का नाम ही होता है तो वो वाली कहानी थी ना तो अब उसको मसूरी में उसको मेंटेन कर दिया जैसे एस्ट्रोनॉमी में जो बहुत इंटरेस्ट रखते ना तो वहाँ पे जो माउंट एवरेस्ट क्या नाम है वो जॉर्ज एवरेस्ट कैंप है उसका घर है अभी भी ना तो उसको दोबारा रिनोवेट करके आप जा सकते हैं वहाँ पे रात को स्काई स्काई वो हमारे वहाँ भी तो है ना वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग है कालिम्पोंग कार्शियंग है वो भी तो अंग्रेजों का भी माना जाता है अंग्रेज अंग्रेज जो होते ना उनको मतलब वो ये ठंडे इलाके के लोग थे तो वो पहाड़ों में आते जैसे शिमला थी ना शिमला भी उन्होंने बसाया नैनीताल उन्होंने बसाया देहरादून मसूरी ठीक है हाँ ऊटी सामान कटते ये तो दो राजधानियां भी तभी कर देते वो ऐसा था उनका क्योंकि उनसे गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं होती थी ना इसलिए आ देते उसमें वो यहाँ पे और बाकी सब तो उस साइड होता है ना वो हर की दून हो गया किधर का बहुत है मतलब हर स्टेट यहाँ पे जो हिल रीजन है ना वहाँ पे बहुत ट्रैक मतलब क्या है ट्रैक मतलब क्या हुआ ट्रैक मतलब यहाँ पर वो है जो पुराने जमाने रिलीजियस पर्पस थे रिलीजियस रूट है ना वो आज कन्वर्ट हो गया ट्रैक में जो ये रूपकुंड है ना ये रूपकुंड में क्या है रूपकुंड ये धार्मिक यात्रा वाला रूट है ठीक है तो यहाँ पे जो इसी ट्रैक पे कभी वो नंदा देवी शिव की वो वाइफ ना वो गई थी ठीक है आप सतोपंत है सतोपंत क्या है वो ट्रैक जो बोलते हैं ना ट्रैक नहीं वो धार्मिक क्या है रिलीजियस है उसमें क्या है पांडव स्वर्ग गए थे ठीक है और किधून जो ट्रैक है उसमें भी क्या पांडव गए थे उसमें रुद्रनाथ जो बोलते हैं ना ट्रैक उसमें भी वो पांडव गए हुए हैं ठीक है और आपके डोडीताल ट्रैक है ना देवड़ीताल डोडीताल है एक डोडीताल है डोडीताल है उत्तरकाशी में वहाँ पे क्या है वहाँ पे गणेश जी का जन्म हुआ है ठीक है ये देवरियताल जो चौपता ट्रैक है वो क्या है वो भी रिलीजियस है उसमें क्या है देवरियताल में पांडवों की परीक्षा ली गई थी और जब वो पीते ना पानी जल हाँ, हाँ। तो बिना परमिशन के होता वो वाली घटना वो देवरियताल में हुई थी ठीक हाँ। है चौपता क्या चौपता जो है ट्रैक है वो तो पंच केदार में से आता है वो ठीक है वहाँ पे इवन जो चंद्र वो है ना चंद्रशिला टॉप है उसमें क्या है चांद ने चंद्रमा है ना उसको शाप लगा था ठीक है एक बार तो उसने वहाँ पर तपस्या करी है इसलिए चंद्रशिला बोलते हैं उसको और उसी ट्रैक में एक और वो है बीच में एक और शिला राउंड शिला भी बोलते हैं वहाँ पर रावण ने भी तपस्या करी है इसलिए बोलते हैं तो जहाँ जहाँ ये ट्रैक है ना उत्तराखंड में इसलिए इसको देवभूमि बोलते हैं यहाँ पर हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ देव घटना ही मिलेगा रिलेटेड ना ऐसा है केदारकंठा का क्या है केदारकंठा में भी बोलते हैं शिव जी है ना शिव जी गए थे वहाँ से अच्छा अच्छा ऐसा है वो है प्लस ब्यूटी तो है हाँ वो तो है
আগুন জ্বলে এবং সেখানে একজন থাকে, সে একটা কিছু মন্ত্র বা একটা কিছু গানের মতন একটা আছে, সেটা বলতে থাকে এবং সেইটা ধরে ধরে সেই কিউটা নিয়ে ছেলেরা এবং মেয়েরা একটা গান করে, মানে দুজনে একসঙ্গে কোঅর্ডিনেট করে। ইটস ভেরি নাইস। আর এটা আমাদের অ্যালাউ না, কারণ আমাদের ওই ড্রেসটা নেই, ড্রেসটা নেই, প্লাস আমরা আউটসাইডার, এটা আউটসাইডারের জন্য অ্যালাউ না, মানে আমরা এখানে এটা আমরা দেখতে পারি বাট আমরা পার্টিসিপেট করতে পারবো না, যেরকম অন্য জায়গায় আমাদের বোলপুরে যেমন গিয়ে আমরা পার্টিসিপেট করতে পারতাম, কিন্তু এখানে সেটা করা যাবে না। তো তোমরা এনজয় করো, দেখো